नमस्कार, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप इस समय देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। इस समय मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी चौराहे गोरखपुर में। आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ स्थानीय लोगों से, कुछ युवाओं से, कुछ छात्रों से, कुछ दुकानदार भाइयों से, और जानेंगे कि इस चुनाव में जो विपक्ष की स्थिति है, जो भाजपा को सीधे तौर से विपक्ष टक्कर देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर जी हो, ये बताइए आने वाले चुनाव में विपक्ष क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगा? क्या स्थिति है विपक्ष की? सर देखिए, तब चुनाव आता है तो लोग अपने अपने जो भी पार्टी है वो अपना अपना जनता को भरमाने के लिए एक एक फैसला करती है, और फैसला करती है आदमी उसमें आता है तो इतनी हो जाता है। लेकिन चुनाव के समय आदमी अपना सोच समझ कर जो भी इतिहास उस पर वोट देगा तो वही वही सही रहेगा। योगी जी का कैसा काम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के आप रहने वाले हैं, तो ये बताइए गोरखपुर में क्या विकास का माहौल है? योगी जी के काम से खुश हैं कि नहीं आप? काम से खुश हैं, लेकिन हम करते हैं धंधा, बाबा को आने से हम लोग को तकलीफ ज़्यादा होती है। क्या तकलीफ है आपको? आते हैं तो ठेला हटाना पड़ता है, मान लीजिए कि दो दिन का काम, वही हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और आते हैं तो हटा देते हैं तो धंधा, एक दिन दुकान बंद होता जाता है तो एक हफ्ता हिच लेता है। आप लोगों के लिए कोई अस्थाई जगह की व्यवस्था नहीं है कि मतलब हाँ यहाँ आप ठेला दुकान लगा सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन हुआ है लेकिन अभी नहीं है, और दे रहे हैं तो ऐसा जगह दे रहे हैं कि वहाँ पर दुकान ही नहीं चल रही है। जो पाए हैं लोग, हमारे कुछ व्यक्ति हैं, मित्र हैं, वो लोग पाए हैं, वहाँ पर दुकान ही नहीं चल रही है। ये योगी जी तो बताते हैं उनकी स्थिति बड़ी मजबूत है, जो है गरीबों के लिए काम करते हैं, किसानों बेरोजगारों के लिए काम करते हैं, और आप उसका विपरीत जवाब दे रहे हैं, तो आपकी नज़र में योगी जी को कौन टक्कर दे रहा है इस समय? देखिए, स्थिति में सपा भी है और भाजपा भी है, लेकिन भाजपा में एक थोड़ा सा स्थिति है कि ठेला आटा आने के लोग बोलते हैं, थोड़ा प्रशासन का स्थिति रहता है जलवाल। अच्छा, भाजपा के ये पुराने साथी थे ओम प्रकाश राजभर, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी उठा पटक के बाद कभी वो बीजेपी से मिलते हैं, कभी निषाद पार्टी के टच में रहते हैं, तो कभी शिवपाल जी से बात होती है, एक अलग मोर्चा भी बनाते हैं, ओवैसी जी से बात करते हैं, और अंत में वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिए हैं, तो क्या ये प्रभाव डालेगा आगामी चुनाव में? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उनके पुराने साथी हैं और बीजेपी ने भी काफ़ी कोशिशें की उनको साधने की, लेकिन अंततः वो सपा का हाथ थामते हैं और साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। और पुराना नेता हैं, उनका तो खुद दबदबा रहेगा, लेकिन आप जो क्षेत्र में रहेंगे उनका दबदबा रहेगा। उनके जो है समाजवादी पार्टी में साथ होने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ, कुछ वोट कटेगा ही। आप ठेला हटाने की बात कर रहे हैं, अगर इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बाकी मुद्दों पे आप इस भाजपा सरकार को किस नज़र से देखते हैं? भाजपा सरकार काम तो अच्छा करता है, विकास भी कर रहा है, और इस समय जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन यही थोड़ा सा परेशानी है, फुटपाथ वालों को बहुत तकलीफ है ना। ये बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं का इस जो है सरकार में क्या स्थिति है? महिलाओं के नाम सब चीज़ करत हैं योगी मोदी, बाकी रही है धंधा नहीं कर देते हैं, हटावल करते हैं लोग, हटा देते हैं तो लड़के खेले भी ना मरे लागत हैं। जी सर, चुनाव नज़दीक आ चुका है और जो विपक्ष की स्थिति है, क्योंकि प्रियंका जी अलग अपना जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं, अखिलेश अलग तैयारी कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन भी हो चुका है। प्रियंका जी एक तरफ कहती हैं कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे, और तो और एक उनका और एक नया वादा आया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्कूटी देने का उन्होंने वायदा किया है। क्या ये जो विपक्ष की रणनीति है इस सरकार को ख़त्म करने में, और क्या विपक्ष को वापस ला पाएगी ये रणनीतियाँ? देखिए, सरकार कोई भी हो वो जनता के हित में कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अभी जो भी लोग बात करते हैं, जब स्टेज से बात करते हैं तो सब लोग जनता की भलाई के लिए ही बात करते हैं। ये तो तब पता चल पाएगा जब वो सरकार बना लें,
वो कितना अपने जो भी वो बोल रहे हैं वो कितने वायदों को पूरा कर पा रहे हैं, मुझे यही लगता है। बाकी जनता का मूड है, जनता क्या सोचती है वो चुनाव नतीजों में ही वो दिख पाएगा। ये बताइए विपक्ष को आप इस समय कितना मजबूत देख रहे हैं, क्या विपक्ष योगी और मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगा? देखिए अभी तो विपक्ष चूंकि इधर थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुआ है, हो सकता कि चुनाव की वजह से ज़्यादा सक्रियता बढ़ी हो, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि इसके पहले अभी तक जैसे 2-4 महीने पहले से अगर बात करें तो इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा विपक्ष। प्रियंका जी देखिए महिलाओं की बात करें, महिलाओं के हित की बात करती हैं, कह रही हैं कि महिलाओं को जो है आधी आबादी है और इसको 40% टिकट देंगे महिलाओं को और ये भाजपा को साफ कर देगा, महिलाएं राजनीति में आएंगी, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये महिला कार्ड जो खेल रही हैं ये फ़ायदा करेगा कि नहीं उनके पार्टी के लिए? देखिए केवल कांग्रेस को ही क्या, भाजपा को भी महिलाओं को टिकट देना चाहिए 40%। भाई अगर इस देश में पुरुष और महिला दोनों लोग हैं तो दोनों को ही टिकट देना चाहिए। अगर प्रियंका जी कह रही हैं कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं कर रही हैं। ये बताइए आप क्या करते हैं? जी मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट।